ये वीडियो मैं महेंद्र सिंह धोनी को ट्रिब्यूट कर रही हूँ। गाइस मैं बहुत ज़्यादा आपको बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखती हूँ, बट होता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो अभी मैं सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रही हूँ कि जब वो इंडियन टीम में आए और जब उनका बोल बाला स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगता है कि जो लोग नहीं भी क्रिकेट देखते हैं वो लोग भी कुछ टाइम के लिए ज़रूर उन्होंने देखा होगा। क्योंकि सेम चीज़ मेरे साथ हुई कि मैं भी नहीं देखती थी क्रिकेट, लेकिन मैंने उन दिनों में क्रिकेट बहुत देखा और मुझे पर्सनली मतलब ये मुझे बहुत पसंद है। और आई थिंक ये हीरो मेरे ही हीरो नहीं हैं, ये पूरे इंडिया के हीरो हैं, ये पूरे वर्ल्ड के हीरो हैं। इन्होंने कितने सारे मतलब हमें वर्ल्ड कप जिताया, तो ये हीरो हैं, हम सबके हीरो हैं, एक लेजेंड हैं। और जब कल मुझे पता चला कि इन्होंने जो है इंडियन टीम से इस्तीफ़ा दे दिया, जब मुझे लगा कि उफ़ अब हम इनको इंडियन टीम में नहीं देख सकते हैं, दिल से बता रही हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और हम मतलब मुझे अपनी ना पुरानी कुछ बातें हैं जो इनसे जुड़ी हुई, जो फैमिली में हम करते थे जब इनके क्रिकेट ये खेलते थे और जब ये 2020 चल रहा था, वर्ल्ड कप चलते थे, तो हम जब कुछ चीज़ें हैं जो हम करते थे वो सारी चीज़ें मुझे एकदम रिमाइंड हो गई। और बहुत लोग इनके बारे में बहुत बहुत सी बातें भी कर रहे हैं, पीछे कुछ लोगों ने हेट भी किया। अभी कल जब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए, बहुत सारे लोगों ने इमोशनल हो के कमेंट किए हैं, बहुत लोग परेशान हो गए हैं इनके इस्तीफ़ा देने पे। तो जो इनके फैंस हैं बहुत परेशान हैं और पीछे लोगों ने इनसे हेट भी किया। बट होता है कि कुछ नेचर होता है किसी किसी इंसान का, कभी इन्होंने अपने लिए भी कुछ नहीं किया, कुछ बोले ही नहीं, कुछ कर किया ही नहीं टीम के लिए भी, कभी वो इन्होंने पर्सनली खेला ही नहीं, हमेशा जब भी खेला तो पूरी टीम को पूरे उसको अपना समझ के किया। और एक चीज़ तो मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा क्रिकेटर इंडियन टीम में ना कभी आया है और शायद ही कभी आए, ये ऐसे हैं। तो मैं ये बता रही हूँ, हाँ तो कल मुझे वो चीज़ याद आने लगी कि बहुत सारी पिछली बातें रिमाइंड होने लग गई। जब ये 2020 वर्ल्ड कप चल रहा था तब हम लोग अपने घर के हॉल में जो है बड़ी सी स्क्रीन वाली टीवी लगा के और हम डेली जो है देखते थे, दो तीन फैमिली मतलब मेरी सिस्टर मैं हम सब बहुत सारी अपनी फैमिली आसपास जितने लोग हैं सबकी गैदरिंग करते थे और बैठ के एक साथ मैच देखते थे। तो जिस दिन फाइनल मैच था हम सारे इकट्ठे हुए थे, और स्पेशली मैं आपको बता दूँ कि मैं पार्लर गई, जाके मैंने यहाँ पे पूरा इंडिया का वो टैटू बनवाया, इधर सब टैटू बनवाया और पूरा ड्रेस कोड हमने सब ने वही रखा, ग्रीन ऑरेंज और वाइट, और वैसे ही पूरा टैटू बनवाया। और टैटू बना के सब लोग मतलब पूरे अच्छे से हम तैयार हो गए, तब हम वर्ल्ड कप देखने बैठे हुए थे। और जैसे ही इंडिया टीम जीती, उफ़ माय गॉड, मतलब वो मैं फील अभी भी फील कर रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए। और हम फट गाड़ी उठाई और हम लोग इंडिया गेट पहुँच गए, और आप मानोगे नहीं, इंडिया गेट पे जो तो उस टाइम तहलका मचाया हुआ था, लोगों ने क्या मर्सिडीज, क्या ऑडी, क्या बीएमडब्ल्यू, सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके पहुँचे। तो उसकी छत पे अपनी गाड़ियों के छत पे चढ़ के, और बस वाले जो बसें निकलती हैं ना वहाँ सड़क पे, वो बस जो है किनारे किनारे खड़ी हो गई थी, लोगों को देख के रास्ता रोक लिया था ताकि और गाड़ियाँ ना आए। और लोग वहाँ जो डांस कर रहे थे अपनी गाड़ियों के ऊपर ही चढ़ के, उन्होंने अपनी गाड़ियों के छत तोड़ दिए थे, हमने भी तोड़ दिया था। तो मैं आपको बताऊं कि मतलब इतना वो चीज़ मुझे कल रिमाइंड हो गई, और बहुत मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने इंडियन टीम से इस्तीफ़ा ले लिया। और मैं महेंद्र सिंह धोनी जी से यही कहना चाहूँगी, वैसे तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं जो वो मेरी वीडियो देखेंगे, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी IPL में जो है एकदम गर्दा गर्दा मचा दो, एकदम धुआँ उड़ा दो, और जो है ओपोजिशन का एकदम जो है छक्के छुड़ा दो। और नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।